सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद राजीव को मैथ्स की कंप्लीट वीडियोस के लिए और बेल आइकन को दबाएं मैथ्स के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। सो हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राजीव प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स विद राजीव में। सो बेसिकली ये वीडियो क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्री से मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो को आप जरूर देख लें, ताकि उसमें क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन मैंने सॉल्यूशन करके रखा था और क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुका हूं। इसको वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा। सो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से दिए गए हैं आपको। सो देखते हैं मैं क्या है क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल, द एंगल ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। सो अगर पहला अगर क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ते हैं तो हम लोग क्या समझ में आता है कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स है, ओके, एक क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स है वो सारे जो एंगल्स है वो एपी में होंगे, ओके। तो हम लोग ध्यान से अगर देखें तो क्वाड्रिलेटरल में जितने टोटल एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 4, ओके। सो फाइनली ये सिंपल अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 एंगल्स वाले एक ज्योमेट्रिकल फिगर दिया हुआ है और चारों जो एंगल है वो आपस में क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंडीशन में फॉलो है। So, सब जो चारों नंबर है वो एपी में है, चारों एंगल्स जो है वो एपी में है। और क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, और चारों एंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। सो हम लोग क्या निकालना है क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द एंगल इन रेडियंस। सो अगर क्वेश्चन में दो चीज देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट करके रखा है, आप प्लीज इसे अपने नोटबुक में नोट कर ले और मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये चीज। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा अगर हो कि 4 नंबर्स या 4 एंगल्स या कुछ भी 4 के टर्म्स में है या उसे एक्सप्रेस कर रहा है कोई चीज कि 4 नंबर्स है वो अगर एपी में है, तो अगर कोई भी चीज अगर 4 में क्वांटिटी में दिया हुआ है अगर एपी में है तो वो चारों चीज को हम लोग कैसे अज्यूम करना है, चारों क्वांटिटी को कैसे अज्यूम करना है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D, ये पैटर्न है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि अगर 4 एंगल्स 4 नंबर्स अगर एपी में हैं तो ये इजी वे होता है, इस तरह से आपको एपी में नंबर एज्यूम करने में इजी पड़ता है। तो आप नंबर इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं क्या, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। अगर क्वेश्चन में बाय द वे अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स है अगर वो एपी में है तो एक्चुअली में ट्राइंगल में टोटल एंगल जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो फाइनली अगर देखें 3 नंबर्स आर इन एपी, तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा कि 3 नंबर्स या 3 एंगल्स जो है वो एपी में हैं, तो वो तीनों नंबर्स को हम लोग तीनों एंगल्स को हम लोग किस तरह से अज्यूम कर सकते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। और अगर यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो ए होगा वो ए होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म, ओके। यहाँ पे जो ए होता है वो क्या होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म, और जो डी होता है उस डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। वो किस तरह से निकाला जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट एक कोई भी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दिया हुआ रहेगा आपके सीरीज में, उसके सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ और ये जो आंसर आएगा, और अगर थर्ड टर्म को अगर सेकंड टर्म को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा, ओके, तो अगर ये डिफरेंस जो अगर कॉमन है सब में जो डिफरेंस अगर कॉमन आ रहा है, तो इस तरह का पैटर्न, इस तरह का सीरीज हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर ए क्या है फर्स्ट टर्म है, बी क्या है कॉमन डिफरेंस, वो किस तरह से निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इस तरह से वो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। पर बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का है, और मैं एपी जब स्टार्ट करूंगा, जब मैं एपी अलजेब्रा में जब आऊंगा पढ़ाने, तो उसमें अच्छे से डिटेल से मैं आपको समझा सकता हूँ। सो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, आप प्लीज दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर ले से और बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। तो अगर चार नंबर अगर चार क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 एंगल्स होते हैं, तो अगर 4 एंगल्स को हम लोग इस तरह से अज्यूम कर ले, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, तो देखिए हम लोग क्या है कि ये सभी एंगल्स का जो सम होगा एक क्वाड्रिलेटरल्स में, सभी एंगल का जो सम होगा कितना होगा, 360 डिग्री।
ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि चारों एंगल का जो सम होगा एक क्वाड्रिलेटरल के आंसर कितना आएगा 360 डिग्री। तो अगर हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं ए ए ए और ये तो टोटल कितने हो गए 4a। उसके बाद ये प्लस 3d माइनस 3d कट गया माइनस d प्लस d कट गया तो 4a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर 360 डिग्री। ओके सो a इज इक्वल टू कितना आ गया 90। सो a इज इक्वल टू आ गया 90 और ये तो a का वैल्यू निकल चुका है। अब यहां से मुझे d निकालना है तो एक लिंक देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि ये जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होगा ये जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो 120 डिग्री का है। तो अगर हम लोग ग्रेटेस्ट एंगल a प्लस 3d पकड़ते हैं ओके सो ये बोल रहा है ये 120 डिग्री का है और a का वैल्यू मैंने जस्ट अभी निकाला कितना 90 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस 3d सॉरी इज इक्वल टू 120 डिग्री देयरफॉर 3d इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री सो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 3d देयरफॉर d इज इक्वल टू आया 10 डिग्री। ओके सो a आ गया है d आ गया है चारों एंगल्स को हमें अकेले के लिए सिंगल सिंगल निकालना है तो ये देखिए ध्यान से आप a माइनस 3d था ये पहला एंगल तो a का वैल्यू 90 डिग्री और 3 इंटू डी तो डी का वैल्यू आ गया 10 सो आंसर आ गया आपका 60 डिग्री। उसके बाद था ए माइनस डी तो ए का वैल्यू 90 डी का वैल्यू 10 आ गया आपका कितना 8 डिग्री। ये वन नंबर है ये टू नंबर है उसके बाद है ए प्लस डी तो ये हो गया 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100 डिग्री ये हो गया तीन नंबर और लास्ट था a प्लस 3d तो हो गया 90 प्लस 3 इंटू 10 तो ये आ गया 120 डिग्री। ओके सो ये चारों एंगल मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर चुका हूं मैं सिंगल सिंगल चारों एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। पहला एंगल जो है 60 डिग्री है दूसरा 80 डिग्री तीसरा 100 डिग्री एंड चौथा जो है 120 डिग्री। बट आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियंस। अब मुझे करना क्या है कि जितने के क्वेश्चन डिग्री में ये जो एंगल्स डिग्री में है मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें रेडियन में और मैं इसलिए आपको सबसे आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज इसके प्रीवियस वाले वीडियो को देख लें कि किस तरह से आपको रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है ताकि मैं उस वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने डील किया था हर एक टाइप्स को हर एक अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था आपके सामने। सो आप अगर इस वीडियो को देख के इस वीडियो को देखेंगे सो आप मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो भी आपको आसान लगेगी क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी और ये मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ। सो प्लीज अब देख ले एक बार तो क्वेश्चन जो है सारे डिग्री में आ चुके हैं 60 डिग्री 80 डिग्री 100 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब क्या है क्वेश्चन में डिमांड किया गया है कि जो भी एंगल्स आ रहे हैं वो मुझे किसमें चाहिए आपको रेडियन में तो ये है डिग्री में कन्वर्ट करना है रेडियन में तो किस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई रेडियन बाय 180 डिग्री पाई रेडियन बाय 180 डिग्री इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ध्यान से आप देखें अगर ये 60 है तो 60 इंटू पाई रेडियन बाय 180 डिग्री ओके सो ये कट है तो आ गया पाई रेडियन बाय 3 ये पहला आंसर। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 का 100 का 120 डिग्री का इस तरह से हम आप सॉल्व करके इसे आप निकाल सकते हैं और ये काम मैंने आपके ये छोड़ दिया है आप प्लीज इसे पूरा कर लें और आपसे ना हो पाए तो प्लीज अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखें मैं आपको जरूर इसके सॉल्यूशन को फिर से बता पाऊंगा। सो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप प्लीज इसे एक बार नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में।